वेद प्रकाश विद्रोही जी, यहां पर ये कौन सा डर, क्योंकि राजीव जी तो सीधा कह रहे हैं डर है, 70% सीटें अब तक उस पर आपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है भाई। जीत आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, 50 से 55 सीटों पे हम मजबूत हैं, मुद्दे हमारे पक्ष में हैं, तो फिर डर किस बात का है, किस बात का इंतजार? पूजा जी आपको और सभी साथियों को नमस्कार। मैं जेटली साहब की बात से ही अपनी शुरुआत करता हूं। चलो मैं उनका आभारी हूं कि एक तो उन्होंने ये माना कि हमारे यहां धमकी से टिकट मिलती है, कि कहा कि एक नेता ने टिकट नहीं दोगे तो कांग्रेस में। दूसरा उन्होंने कहा हम डर रहे हैं। भाई ठीक कह रहे हैं आप इतने मजबूत हैं कि आपने 12 परिवारवादियों को टिकट दी है, 49 दल बदलुओं को टिकट दी है, और जो आपके पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं आजकल हरियाणा में, सबसे पुराने मेरे तो मित्र भी हैं व्यक्तिगत, रामविलास शर्मा जी, अभी तक उनकी टिकट डिक्लेयर नहीं की, और दे भी देंगे तो उनका राजनीतिक से इतना अपमान कर देंगे कि जो रामविलास का ओरा था वो एकदम से ध्वस्त। अब आप मेरी पार्टी पर आई, ये हमारी रणनीति है, मैंने पहले दिन से ही कहा है, हर जगह कहा है कि हम अपनी टिकटें 3 चरणों में बांटेंगे और 10-11 तक हम अपनी टिकट का डिक्लेयर करेंगे। अब जिनको हमने टिकट देनी है, राजीव रंजन जी सही बता रहे हैं, 90 के 90 उम्मीदवारों को हमने सूचना दे दी है, सब ने अपनी तैयारी कर रखी, कुछ आज नामांकन भर देंगे, कल भर देंगे, और फर्क क्या पड़ता है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप 3 दिन पहले सीट डिक्लेयर कर दो या 12 को आप कर दो, चुनाव तो 12 के बाद ही प्रारंभ होगा, भाजपा ने बहुत पहले सबसे पहले डिक्लेयर कर दी थी 3 तारीख को ही, कौन सा तूफान उठा दिया, कौन सा राजनीतिक हवा बना दी? नहीं, वहां जो तूफान उठ गया उसी तूफान से बचने की फिर कोशिश आप लोग कर रहे थे ना। मैं उस संदर्भ में बात नहीं करता पूजा जी, मैं उस संदर्भ में बात नहीं कर रहा, मैं चुनाव प्रचार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने जल्दी टिकट दे दी तो कौन सा भारी चुनाव प्रचार हो गया, मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, बगावत के संदर्भ में बात। और हम 12 को दे देंगे तो हमारा कौन सा चुनाव प्रचार अभियान ठप हो जाएगा। अब हम डरे हुए हैं, वो बड़े खुश हैं, भाई आपके नेताओं ने, राविंदर जी ने, नरवीर ने, ये जिनकी बात कर रहे थे, धमका कर टिकट लिए, सबको मालूम हमारे यहाँ कोई ऐसा तो बात नहीं। फिर दूसरी बात, हम एक को टिकट दें, बी को टिकट दें, सी को टिकट, नहीं तो फिर देरी क्यों है, देरी क्यों? तो हम अपने नाम कहाँ है, सब लोग आपके जीत रहे हैं, कई दावेदारी आपके आए, तो फिर नाम कहाँ है? कारण है मैडम उसका, गठबंधन का इंतजार कर रहे हैं कि अभी भी गठबंधन हो सकता है आम आदमी पार्टी से? का कारण है 3 बातें एक साथ की। 3 तारीख को हमारी पहली मीटिंग, 3 तारीख की मीटिंग में जो टिकटें फाइनल हुई, कुछ टिकटों के लिए हमारी कमेटी बना दी, भाई इन पर विचार करो, उन पर विचार हुआ। उसके बाद हमारी दूसरी सीईसी की मीटिंग शायद 5 या 6 तारीख को हुई, उसके बाद गठबंधन की बातें चली, उसकी वजह से हमारे 2-3 दिन चले गए, फिर हमारा प्रभारी था उसको ब्लड प्रेशर हो गया, तो कई ऐसे कारण हो गए जिससे हम 1-2 दिन डिले हो गए, ज्यादा नहीं हुए, मैं मानता हूं 1-2 दिन डिले हो गए। अब गठबंधन नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप पार्टी के साथ गए, राजीव रंजन जी गए, कटु सत्य है कि 1 नंबर उन्होंने दिया था, 1 नंबर हमने उनको बता दिया कि 20 नंबर से ज्यादा हम देने की स्थिति नहीं है। अब वो आप पार्टी का मतलब फंसाए रखा ना आपने, मतलब आपने रखा आम आदमी पार्टी को, 5 से ज्यादा सीटें आप देने को राजी नहीं थे, स्थानीय नेतृत्व तो चाहता ही नहीं था कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो। मैडम पूजा जी जब 3 दिन पहले हमने उनको 1 नंबर दे दिया था, 3 दिन पहले नंबर दे दिया था और सीट कौन कौन सी दे सकते हैं वो भी उनको बता दिया था, हमने कहां फंसाया? अब ठीक है हमारे सहयोगी दल है, उन्होंने अपना विचार विमर्श किया होगा, उनको नहीं लगा होगा कि भाई ये समझौता उनके हित में जाएगा, उनको फायदे का होगा, हर दल को अधिकार है अपना चिंतन मनन करने का, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने हमारा जो ऑफर थी वो उनको नहीं मंजूर थी। अब ये तो आप पार्टी का अधिकार है, उस पर मैं क्या कह सकता हूं, पर ना हमने फंसाया ना हमने उनको बहकाया, इन्विटेशन भी उन्हीं की तरफ से आया था, हमने 3 दिन के अंदर सारी बातें करके उनको नंबर बता दिया, इससे ज्यादा और हम क्या करते, हमने बात भी उनसे, तो ये बात बेमानी है कि हमने उनको फंसाया वगैरह, हम क्यों फंसाएंगे, हम अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है,
हमने अपनी 90 के 90 सीटें कर रखी हैं। हाँ, हर पार्टी अपना डैमेज कंट्रोल करती है, हम भी अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। यानी अब अलग अलग ही उतर रहे हैं ना आप मैदान में, अब ये साफ कर दें। अब ये तो साफ कल और क्लियर हो जाएगा। अब आप पार्टी ने जैसे जिस हमने तो पहल नहीं की है, आप पार्टी जिस तरह, आप पार्टी बदलाव की बात, अच्छी बात है आप बदलाव की राजनीति करें, आपको मुबारक हो, पर आपका बदलाव क्या है? आपका बदलाव ये है कि जो रिजेक्टेड बीजेपी के लोग हैं, दल बदलू हैं, अवसरवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, मैं जानता हूं, मैं इनके उम्मीदवारों पर चर्चा नहीं करना चाहता, व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं कि भाई ये उम्मीदवार पता नहीं कितनी कितनी बार दल बदल कर चुके हैं, जिनका पैसा ही चुनाव लड़ना है। अगर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देकर बदलाव की बात करती है तो वो उनका अधिकार है। जैसे अभी तो रैलियां शुरू होनी बाकी है, आपने तो अभी से पलटवार करना शुरू कर दिया। मैंने पलटवार नहीं किया। हाँ। आपने सवाल का जवाब दिया। चलिए ठीक है।